जनता पार्टी जिला इकाई ने शहर में भ्रमण कर पॉलिथीन मुक्त पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। भाजपाइयों का यह अभियान एक महीने तक चलेगा तथा भाजपाइयों ने इस अभियान के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग न करने का संकल्प दिलाया। इस अभियान से पहले बीजेपी कार्यालय में इस बाबत गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बांदा चित्रकूट सांसद आरके पटेल की अगुवाई में आज भाजपाइयों ने शहर में पैदल टहल कर प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। शहर के मुख्य बाजार सहित प्रमुख चौराहे में जाकर लोगों को जागरूक किया। बताया गया कि आज से सभी लोग संकल्प लें कि प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को एक साथ हाथ बढ़ाना होगा। बीजेपी कार्यालय में इस बाबत गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि एक महीने तक यह भी अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर बांदा बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी सांसद आरके पटेल ने बताया कि लोकसभा के विधानसभाओं में ये पदयात्रा चलेगी। प्रतिदिन 10 किलोमीटर के करीब ये पदयात्रा चलेगी। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी बूथों व मंडल के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में भाग लेंगे और प्रत्येक मोहल्ले और वार्डों पर जाएंगे। स्वच्छता, वृक्षारोपण और जन जागरण का कार्यक्रम भी करेंगे। विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके लिए योजनाएं जो चलाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। लोकसभा में पूरे विधानसभाओं में पदयात्रा चलेगी और प्रतिदिन 10 किलोमीटर के करीब ये पदयात्रा चलेगी। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्षगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी और बूथों के कार्यकर्ता, सेक्टर के मंडल के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में भाग लेंगे और वो प्रत्येक मोहल्लों पर, वार्डों पर जाएंगे। स्वच्छता का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम और जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे। विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबके लिए योजनाएं जो चलाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और स्वच्छता के कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम करेंगे। जो प्लास्टिक एक बार यूज किया जाता है, ऐसी पन्नियां, ऐसे यूज वाले प्लास्टिक को बंद करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। चौपाल लगाएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, विभिन्न गोष्ठियां ग्रामों पर करेंगे और ये यात्रा लगातार चलनी है, एक महीने चलनी है।